जयनगर पूरे देश में एक बार फिर कोरोना का कहर ढाने लगा है। कोडरमा में रोज 3 से 4 मौतें हो रही हैं। इसे लेकर झारखंड सरकार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले के अनुपालन कराने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार और थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में पूरे जयनगर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा दुकानदारों और आम लोगों को हिदायत दी गई कि अगर लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को नहीं माना गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा, जरूरी दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर नजर आएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, अगर किन्हीं को बहुत ही बेहद जरूरी काम हो तो मास्क का प्रयोग कर वो बाहर निकले, साथ ही घर वापस जाने के बाद हाथ को सैनिटाइज करें, साथ ही साथ शारीरिक दूरी का भी पालन अवश्य करें। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने भी लोगों को जागरूक करते हुए कहा, आम जनता बेखौफ होकर ना घूमे, जागरूकता ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा, अगर अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति सड़क पर घूमते पाए जाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जयनगर, परसाबाद, हीरोडीह सहित कई क्षेत्रों में पुलिस फ्लैग मार्च चलाकर लोगों को जागरूक किया, लॉकडाउन में लगाए गए आदेशों का अनुपालन करने की अपील की। इस अवसर पर इंस्पेक्टर सावन कड़िया, एसआई राजेंद्र राणा, शांति भूषण, विनोद शर्मा, जनार्दन यादव, रोहन पासवान, धानेश्वर सिंह, गौरी सिंह, पटवारी, हंसदा सहित काफी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। जयनगर से रणजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। सर, कल से लॉकडाउन है, इसकी क्या तैयारी चल रही है? जैसा कि सरकार का आदेश आया है कि कल सुबह 6 बजे से लेकर 29 तारीख शाम के 6 बजे तक आवश्यक वस्तु सभी चीज बंद रखना है, जिसके लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रसार कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ जो जो मुख्य मुख्य हाट बाजार है वहां प्रचारित कर रहे हैं, और बाकी जगह भी हमारी पुलिस फोर्स जो है जो दूसरे जगह है वो प्रचार कर रहे हैं, और कल से हम लोग इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। कार्रवाई क्या होगी अगर कोई नहीं मानता है तो? कार्रवाई तो जो है, अगर नहीं मानेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और रामनवमी त्यौहार भी था उसके लेकर, और इसके बाद जो है कल से जो लॉकडाउन हो रहा है उसके लिए जो है सख्ती से हम लोग जो है फ्लैग मार्च करवा रहे हैं इसीलिए, और उन लोगों को समझा दे रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।